धर्म की नगरी से फिल्मी दुनिया तक, अपराध की दास्तानों से राजनीतिक हलचल तक, प्रदेश की तमाम खबर तह तक, इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। कोरोना महामारी की इस घड़ी में ग्राम प्रधान के कुशल कार्यशैली से गांव में खुशहाली की लहर है। बड़े बुजुर्गों को मास्क का वितरण एवं बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी जा रही है। ग्राम प्रधान ने अपने 5 वर्षीय कार्यकाल में गांव में विकास की बाढ़ सिला दी है। आज कोरोना वायरस से पूरा देश लड़ रहा है, इस महामारी ने देश को झकझोर कर रख दिया है। तो माननीय प्रधानमंत्री ने अपने ग्रामीण अंचलों की निगरानी गांव के मुखिया और प्रधानों को दी गई है। वहीं कोरोना महामारी की इस घड़ी में ग्राम प्रधान अपने गाँव के लोगों को इस कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। गाँव की सूरत हाल का जायजा लेने पहुंचे इंडिया पोस्ट न्यूज टीम को ग्राम प्रधान ने बताया कि शासन द्वारा सभी दिशा निर्देशों का पालन कराया जा रहा है। गांव में सैनिटाइजर कराया जा चुका है एवं समय समय पर दवे का भी छिड़काव कराया जाता है। शासन द्वारा बताए गए सभी गाइडलाइन का पूरा ख्याल करते हुए बाहर से आए हुए प्रवासी लोगों को होम क्वारंटाइन कराया जाता है एवं मेडिकल परीक्षण भी कराया जाता है। होम क्वारंटाइन किए गए लोगों की निगरानी के लिए टीम गठित करके इनकी निगरानी की जा रही है एवं इनके रहन सहन की भी उचित व्यवस्था की जाती है। प्रधान ने बताया कि गांव के जरूरतमंद गरीब असहाय लोगों को इनकी जरूरतों के अनुसार मदद भी की जाती है। ग्राम प्रधान की कुशल कार्यशैली से संपूर्ण गांव में उनकी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है एवं खुशहाली की लहर दौड़ रही है। पानी चेचक आते थे, नीम के पेड़ चेहरे ये किसी छुए मत, लोग फूल पत्ती लग चढ़ाते थे। उसी के बाद हम लोग कहे कि सारा काम करिए, परहेज करिए, बार बार से हाथ धुलिए, साबुन से हाथ धुलिए, मास्क लगाइए, ये सारे काम करिए, रोकथाम इससे हित होगा। यही सब चलता था, हम लोग काम करवाते थे, मास्क वितरण किए थे, कुछ जो है अपने पैसे से मास्क सभी मनरेगा मजदूर का, गांव वासियों का वितरण किया था। एक मेरा राजनीतिक क्वेश्चन है, राजनीतिक क्वेश्चन, राजनीतिक व्यक्ति आप जी, आप ये बताएं कि आने वाले चुनाव में, चाहे आपका चुनाव हो चाहे राज्य का चुनाव हो, जो जी आने वाले चुनाव में इस महामारी का जो समय था, लॉकडाउन था, आप द्वारा किए गए कार्य रहे होंगे, इससे आपको या सरकार को लाभ होगा या हानि होगा? अब सर, अब ये गांव की मानसिकता, जनता की मानसिकता है, बहुत लोग तो कुछ भी कहते हैं कि कोई काम नहीं मिल पाया, कोई पैसा नहीं मिल पाया, हम लोग बेरोजगार हो गए, ये कहते हैं। मूल हमारे यहाँ तो काम तो बहुत लोग किए हैं, ऑनलाइन आप मनरेगा में देख सकते हैं, एक एक दिन में 100-150 लेबर काम करते थे। बाकी ब्लॉक में शंका हुई थी, जिले से शंका हुई थी, जिले के लोग, ब्लॉक के लोग अधिकारी आकर मौके पर निरीक्षण किए थे, मनरेगा मजदूर काम कर रहे थे। तमाम स्थिति और हालात को देखते हुए भी आप सरकार के साथ हैं या सरकार के खिलाफ? अब इसमें अब क्या, सरकार के खिलाफ जैसे सरकार कर रही है वैसे हो रहा है, अब हम क्या बताएं इसके बाद। सरकार के पक्ष में हैं आप? अब इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। चलिए एक बार अपना नाम बता दें। मेरा नाम नरेंद्र कुमार त्रिपाठी, ग्राम प्रधान जमुई शेखपुर साय भारत, विकासखंड मऊ एमा, जनपद प्रयागराज।